आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजार की चाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और बाजार की चाल में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसलों का वायदा बाजार कैसा कारोबार करता नजर आ रहा है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय है। लेकिन कम्युनिटी बाजार का अपडेट शुरू करने से पहले आपको बता दूं, आ गई है एक ऐसी ऐप जिसके थ्रू आप लॉकडाउन लगे या ना लगे, आप चाहे किसी भी चीज़ का बिजनेस क्यों ना करना चाह रहे हो, कुछ खरीदना चाह रहे हो या कुछ बेचना चाह रहे हो, तो आप घर बैठे बैठे बिना किसी चार्ज के, बिना कोई फीस दिए आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अपनी सेल बढ़ा सकते हैं। ऐप का नाम है माई बिग ब्लिस ऐप, MYMY BIG BLISS, बिग ब्लिस, माई बिग ब्लिस। इस ऐप को आपको बस इस ऐप से फ़ायदा उठाने के लिए और अपनी सेल की ग्रोथ करने के लिए आपको करना छोटा सा काम होगा, वो ये है कि आपको प्ले स्टोर पर जाना है, ऐप को डाउनलोड कर लेना है और इस पर अपना एक स्टोर बनाना है। फॉर सपोज करिए कि अगर आप कपड़ों का व्यापार करते हैं तो आपने कपड़ों के नाम से कोई स्टोर बना लिया, उस पर प्रोडक्ट्स के तौर पर आपने कपड़े लगा दिए कि आप किस टाइप के, क्या किस साइज़ के और किस रेट पर अपने कपड़े बेचना चाहते हैं, और फिर आपके पास वहाँ से ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। आपको इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना, कोई फीस नहीं देनी, और ज़रूरी नहीं कि आप इसके लिए कोई कंपनी रजिस्टर करें जैसे बाकी अन्य ई कॉमर्स ऐप पर किया जाता है। ऐसा में आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप एक स्टूडेंट भी हैं, चाहे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं या फिर आप एक गृहिणी हैं, आप तब भी घर बैठे बैठे इस ऐप के थ्रू पैसा कमा सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं यहाँ से कम्युनिटी बाजार की अपडेट की। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे कैसे सीड से। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कैसे सीड का दिसंबर वायदा शाम के कारोबारी सत्र में 6342 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 0.25% की गिरावट के साथ। देख रहे हैं कि कैसे सीड का वायदा बाजार शाम के कारोबारी सत्र में सुबह के मुकाबले और गिरावट के साथ ट्रेड करता नजर आ रहा है। सुबह को हमने 6400 के ऊपर ट्रेड करता देखा था, वहीं अब देख रहे हैं कि 6300 के घरों में कारोबार करता नजर आ रहा है। बात करें यहाँ से बिनौला खल की, तो बिनौला खल का दिसंबर वायदा देख रहे हैं 2744 के घरों में 1% की गिरावट के साथ, और जनवरी वायदा भी बिनौला खल का 2700 के ही घरों में ट्रेड करता नजर आ रहा है 1.25% की गिरावट के साथ। देख रहे हैं कि जो बिनौला खल आज सुबह के कारोबारी सत्र में 2800 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा था, 2800 के ऊपर कारोबार करता नजर आ रहा था, अब उसी बिनौला खल की कीमतों में गिरावट के साथ शाम के कारोबारी सत्र में कारोबार दर्ज किया जा रहा है। बात करें यहाँ से अगर धनिया की, तो धनिया का दिसंबर वायदा देख रहे हैं 8700 के लेवल्स पर है सुबह के मुकाबले, अब बाजार कुछ टूटता नजर आ रहा है। हालांकि 8880 का हाई भी लग चुका है, 0.25% की करेक्शन है और अभी भी 8700 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा है, लेकिन सुबह के मुकाबले जो लेवल्स हैं अब वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत टूटते नजर आ रहे हैं, ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली बनती नजर आई है। बात करें यहाँ से अगर जीरे की, तो जीरा भी देख रहे हैं 16000 के ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा है मामूली सी करेक्शन के साथ। और बात करें यहाँ से अगर टर्मेरिक की यानी हल्दी की, तो हल्दी में आज हमने काफ़ी अच्छा उछाल आते हुए देखा है। हल्दी का दिसंबर वायदा 7790 पर ट्रेड कर रहा है, 7922 का ही लगा चुका है, 2.25% की करेक्शन है, ऊपरी सर से आज मुनाफा वसूली भी बनती नजर आई है। तो आज शाम के कारोबारी सत्र में किस कृषि फसल में क्या करके चलना सही रहेगा और आगे किस कृषि फसल के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल सकती है, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीबी पर। नमस्कार। नमस्कार अजय जी। अजय जी, सबसे पहले आपसे कैसे सीड के बारे में बात करना चाहूंगा। हमने कैसे सीड को काफी लंबे समय से एक रेंज बाउंड में देखा है और अभी भी देख ही रहे हैं, इनफैक्ट आज सुबह के मुकाबले शाम में ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, जो 6400 के ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा था अब 6300 के लेवल्स पर आ गया है। आपको क्या लग रहा है, क्या यहाँ से फिर से 6400 के घरों में जाएगा या फिर यहाँ से गिरावट गहरा जाएगी? देखिए, अगर हम कैस्टर की बात करें, टाइमिंग मजबूती दिखाई दे रही थी क्योंकि एरिया अंडर कल्टीवेशन में हमने सीवियरली ड्रॉप आते हुए देखा था प्राइजेस के अंदर, बट कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी चेंज हुई है पिछले 15-20 दिनों में, महीने में। एक तरफ डिमांड हम देख रहे हैं कि कहीं पे भी इम्प्रूव नहीं हो पा रही थी, सेकेंडली साथ में हमने देखा कि नया माल, अभी नया क्रॉप है वो जल्दी सामने आने वाली है, और एज ऑफ नाउ ऐसा सीन भी लग नहीं रहा कि चाइना से हम कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंपोर्ट देखे, जैसे लास्ट ईयर हमने देखा था रिकॉर्ड इंपोर्ट चाइना की तरफ से था। तो अनलेस अनटिल चाइना मार्केट ओपन अप नहीं होता, कोरोना की वजह से भी हमने देखा फिर से जो क्वारंटाइन पॉलिसी चाइना ने अपनाई है, और कंसर्न्स है डिमांड को लेकर, इसके लिए प्राइजेस
होल्ड नहीं कर पा रहे। टेक्निकली हमें लग रहा था कि 6400 के ऊपर प्राइजेस 6850 6900 तक दिखा देगा। नो डाउट हमने अक्टूबर नवंबर में एक तेजी भी देखी प्राइजेस में, बट 6650 ये तक, ये लेवल तक जाकर मार्केट धीरे धीरे प्रेशर में आ रहा है। तो आगे जाकर अराइवल प्रेशर को देखते हुए, डिमांड में कमी को देखते हुए, हमें लगता है प्राइजेस में अब धीरे धीरे करेक्शन आया है, क्योंकि डेली चार्ट के ऊपर देखे तो प्राइजेस ने इचिमिको क्लाउड के नीचे आ चुकी है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि प्राइजेस में गिरावट का रुख रहेगा। और हो सकता है प्राइजेस फिर से 5800 से लेके 6000 का जो पहले वाले रेंज थे अगस्त सितंबर के, उस रेंज में वापस आके स्टक ऑफ हो जाए। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि एक बार 6400 के नीचे वीकली क्लोज अगर कैस्टर में रहता है तो कहीं ना कहीं 300-400 पॉइंट की बड़ी गिरावट देखने मिल सकती है। जी, तो यानी कि अभी जो सिनेरियो बनता नजर आ रहा है कैसा सीट से अजय जी के मुताबिक, अभी वो थोड़ा नेगेटिव वाला देखने को मिल सकता है। अगर वीकली क्लोजिंग 6400 के नीचे देखने को मिलती है तो हो सकता है कि जो कैसा सीट का वायदा बाजार है वो थोड़ा और टूटता नजर आए और नीचे में 5800 से लेकर 6000 तक जाता नजर आए, जो कि रेंज हम ये वाली पहले भी देख चुके हैं। यही से अजय जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में हमने इस कारोबारी सप्ताह 2800 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी आते हुए देखी है, लेकिन आज देख रहे हैं कि दिसंबर और जनवरी वादा दोनों ही 2800 से नीचे लुढ़क चुके हैं, 2700 के घरों में कारोबार करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या बिनौला खल एक बार फिर से 2800 के ऊपर सस्टेन होने में कामयाब हो पाएगा और उससे ज्यादा के लेवल्स दिखला पाएगा, या फिर यहाँ से बिनौला खल में भी करेक्शन बनेगी? देखिए, लास्ट टाइम मैंने आपके चैनल पे ही बताया था जब 2450 का भाव चल रहा था कि लॉन्ग टर्म में बिनौला खल में काफी अच्छी तेजी है, जो हमें लगता है कि अगले साल मार्च तक 3800 से लेकर 4000 का भी लेवल दिखा सकता है। उसी के साथ साथ हमने प्राइजेस में एक अच्छा खासा गेन भी देखा, जो 2850 तक का लेवल दिसंबर वायदा ऑलमोस्ट दिखाता हुआ दिखाई दिया। डेयरी इंडस्ट्री की डिमांड कंटिन्यू मेंटेन रहेगी और जिस ढंग से हमने देखा SMP मतलब जो पाउडर मिल के उसके भी भाव तेज हो रहे, वो कहीं ना कहीं बिनौला खल को कंटिन्यू सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। टाइमिंग अराइवल प्रेशर के चलते प्राइजेस में आज के सेशन में ही हमने गिरावट देखी है। यहाँ से 100-150 पॉइंट की अगर गिरावट आ भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, टेक्निकल कारण की वजह से आ जाए, बट ओवरऑल मुझे लगता है जनवरी वायदा अगर 2600-2650 के बीच में वापस लेन किया जाए तो इमीडिएटली जनवरी मिड तक तो हमें लगता है कि ये 3100 तक का लेवल दिखा दे, बट फरवरी और मार्च में नए जैसे मस्टर्ड DOC और बाकी DOC आने से पहले पहले हमें लगता है कि प्राइजेस के अंदर जबरदस्त तेजी, क्योंकि डेयरी इंडस्ट्री में डिमांड प्रोजेक्शन किया जा रहा है कि 11% से ग्रो होगी। नॉर्थ साइड में हमने 4.5% का ग्रोथ आते हुए ऑलरेडी देखा है, और जैसे कि हम जानते हैं कि दूध में जो फैट बढ़ाता है वो खाली कॉटन सीड ऑयल केक ही बढ़ाता है, दूसरे जो खल है वो प्रोटीन बढ़ाते हैं। तो मुझे लगता है कि इमीडिएटली जनवरी तक तो 3150 तक का टारगेट है, बट मैं काफी बुलिश हूँ 2022 के अंदर कॉटन सीड ऑयल की एक ऐसी कमोडिटी रहेगी जिसके अंदर हम एक जबरदस्त तेजी देखें। तो टाइमिंग हो सकता है 2600-2650 का रेंज मिल जाए, बट जनवरी मिड तक वापस 3100 का लेवल हम देख पाएंगे। जी, तो अजय जी काफी ज्यादा बुलिश हैं बिनौला खल के अंदर, जनवरी मिड तक उनके अकॉर्डिंग 3150 तक के लेवल्स बिनौला खल की कीमतों में बनते नजर आ सकते हैं। पोल्ट्री से काफी अच्छी डिमांड निकल के सामने आ सकती है, क्योंकि बिनौला खल ही एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा उत्पाद है जो दूध में फैट की मात्रा को बढ़ाता है। यही से अजय जी बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में हमने हाल ही में धनिया में काफी अच्छा उछाल आते हुए देखा है। धनिया सीधे 8500-8600 से 8800 के करीब ट्रेड करता नजर आ रहा है, आपको क्या लगता है यहां से तेजी एक्सटेंड होगी या फिर जैसे आज करेक्शन बन गई है कल भी मुनाफा वसूली थोड़ी और देखने को मिल जाएगी? देखिए, मेरा व्यू अगर हम स्पाइसेस पैक की बात करें तो 2022 के अंदर जनवरी फरवरी और मार्च के अंदर स्पाइसेस पैक के अंदर भी काफी अच्छी तेजी रहेगी, जिसके अंदर धनिया जीरा दोनों ही कमोडिटी में मुझे तेजी लग रही है। टाइमिंग हमें लगता है कि जिस ढंग से एरिया अंडर कल्टीवेशन में जो ड्रॉप आया है, बिकॉज अदर क्रॉप्स के भाव ज्यादा है एज कम्पेयर टू धनिया, इसकी वजह से बीच में रूमर्स ये जरूर थी कि 40-50% का एरिया में ड्रॉप आएगा, बट वैसा नहीं है। मुझे लगता है करीबन 15-18% का भी ड्रॉप रहता तो दैट इज मोर देन इनफ, जिसकी वजह से ये रैली हमने बनती हुई देखी और 7200 तक का लेवल टेस्ट करते हुए देखा। टेक्निकली अब एक हार्मोनिक टेक्निकल एक पैटर्न होता है, हार्मोनिक का एक सेल कॉल बना हुआ सेल पैटर्न बना हुआ है, जो हमें बताता है कि मार्केट एक बार 8000-8100 तक का पुल बैक दिखा सकता है, बिकॉज नवंबर दिसंबर में डिमांड में कोई ऐसा कोई चेंजेस आया नहीं जो प्राइजेस को सपोर्ट कर ले। एज ऑफ नाउ जो मार्केट में गेन आया था डेट वॉज प्योरली बिकॉज सोइंग का एरिया ड्रॉप हो सकता है, बट वो डिस्काउंट हो चुका है। तो मुझे लगता है जो एक्सपोर्ट की डिमांड है वो 14-15 जनवरी से पिकअप करना चालू करेगी और जनवरी फरवरी में ये पीक डिमांड रहेगी, बिकॉज डोमेस्टिक डिमांड भी ओपन अप हो जाएगी, एक्सपोर्ट डिमांड भी ओपन अप हो जाएगी, जबकि नया जो सीजन है हमारा वो मार्च के बियॉन्ड ही या मार्च में स्टार्ट होगा। और इस बार हो सकता है कि वेदर की मार्च जनवरी फरवरी में भी हम राजस्थान गुजरात के एरिया में देखेंगे, जिसका एक असर पॉजिटिवली
जीरा धनिया दोनों पे भी आता हुआ दिखाई देगा। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि जब तक 9200 का लेवल नहीं रीच करता है बेच के चलिए, 8100 तक का लेवल दिखा देगा। बट लॉन्ग टर्म के लिए जनवरी वाले पे ध्यान रखिए, अगर ये 8000 के करीब मिलता है, 8000 के करीब, तो वहां से बाइंग करके चलना चाहिए। मुझे लगता है 12000 का भी लेवल हम मार्च एंड तक आते हुए दिख पाएंगे जी। तो यानी कि मसाला उन कम्युनिटीज में शामिल हो सकती हैं जो 2022 में आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा दे सकती हैं। धनिया और जीरा, ये दो ऐसी मसालों की कम्युनिटीज़ रहेगी जिनके अंदर आज जिसके अंदर आप साल 2021 के अंत तक भी और साल 2022 में काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाते हुए नज़र आ सकते हैं। यहीं से जी बात करें अगर हल्दी की, तो हल्दी में भी हमने 7900 के ऊपर का हाई लगते हुए देख लिया है। आपको क्या लगता है, क्या हल्दी में यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी देखने को मिलेगी या फिर यहाँ से हल्दी फिर से लुढ़क जाएगी? देखिए हल्दी में एक फ्रीडम ना ये भी है कि हमारा जो कैरियर स्टॉक है वो काफी ज्यादा होने की वजह से प्राइसेस के अंदर कभी बड़ा गेंस आया नहीं है। पिछले साल हमने नो डाउट काफी डैमेजेस रिपोर्ट होते हुए देखे जिसके चलते प्राइसेस 5500 से 8500 का लेवल दिखा दिया था। एज ऑफ नाउ हमें लगता है एक्सपोर्ट डिमांड धीरे धीरे पिकअप कर रही है, बट कैरियर स्टॉक ज्यादा होने की वजह से प्राइसेस में बड़ा गेन नहीं आ पा रहा है। रिसेंटली हमने जो फ्लडिंग सिचुएशन आंध्र प्रदेश में महाराष्ट्र के सांगली में आते हुए देखा, काफी डैमेजेस भी रिपोर्ट हुए हैं जो प्राइजेस को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक प्राइजेस जब तक 8200 के ऊपर होल्ड नहीं करता है, पॉसिबल हम वापस 7400-7500 तक का लेवल देखते हैं, वहां से बाइंग करके चलिए। ये कमोडिटी में कोई बड़ा गेन या बड़ा फॉल दोनों ही नहीं आने वाला है। अपसाइड में जब तक 8500 के ऊपर वीकली क्लोज नहीं करता है, कोई बड़ी तेजी नहीं है और ना ही 7000 के नीचे जाएगा, तो रेंज बाउंड रहेगा। बेटर इस काउंटर को अवॉइड कीजिए, थोड़ा बहुत मूव करता रहेगा बट ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स एज ऑफ नाउ मेरे को नहीं लगता कि कोई दिखा सकता है एज कम्पेयर टू अगर हम जीरो धनी की बात करें जी। यही सर जी बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार में आज हमने पहले के मुकाबले कुछ तेजी बनते देखी है। ग्वार 10600 के ऊपर का ही लगा चुका है और ग्वार सीड भी 5900 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ग्वार में छोटी अवधि में और तेजी देखने को मिल सकती है या फिर यहां से भी उठापटक का दौर जारी रहेगा और एक बार फिर से ग्वार निचले स्तर दिखाता नजर आएगा? देखिए ग्वार में मेरा व्यू पहले भी मैंने आपके चैनल पर बताया भी था कि न्यूट्रल टू वीक रहेगा। हमने ऑलरेडी प्राइजेस को वो टाइम पे 6400-6300 का भाव चल रहा था, वहां से हमने ऑलमोस्ट 5650 का लेवल छूते हुए देखा है। दिसंबर मंथ की सीजनलिटी की अगर बात करें तो जनरली हम ग्वार में तेजी का रुख देखते हैं हमेशा, पिछले 5-3-4 सालों की बात करें तो उसी के चलते मुझे लगता है कि प्राइजेस में एक थोड़ा गेन है। मे बी पॉसिबल 6000-6100 का लेवल बाय चांस दिखाने की कोशिश कर सकता है, बट ओवरऑल मेरा कैलकुलेशन और जो डिमांड सप्लाई हम देखते हैं तो मुझे लगता है 5100-5200 का एक फेयर प्राइस है। वहां पे प्राइस आने के बाद ही बाइंग के लिए माइंडसेट बनाना चाहिए, उससे पहले नहीं बनाना चाहिए। ग्वार गम में भी नो डाउट पिछले 2-3 दिनों में हमने भी बाइंग रिकमेंडेड किया क्योंकि टेक्निकली एक हार्मोनिक पैटर्न बना हुआ है जो हमें बताता है कि दिसंबर में एक बार 6000 का लेवल या 6100 का वर्स्ट टू वर्स्ट लेवल ग्वार सीड में दिखा दे। तो हमने आज 900 पे हमारे क्लाइंट को सजेस्ट किए कि एक बार आप बुक कर लीजिए, बिकॉज आई थिंक के जो डिमांड फैक्टर की बात करें, चूरी और कर्मा के जो डिमांड थी वो भी अब थोड़ा कम होते हुए दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ अल्टरनेट्स आर अवेलेबल। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि 5100-5200 ग्वार सीड में और 9000-8800 का जो बेल्ट है वो ग्वार गम में मिलना ही चाहिए, उसके बाद ही कुछ बड़ी तेजी लगी। दिसंबर का जैसे मैं अभी बता रहा हूँ आपको, एक तो टेक्निकली हार्मोनिक पैटर्न बना हुआ और सीजनैलिटी, ये दोनों चीज सपोर्ट कर रही है जिसकी वजह से हो सकता है 10000-8000 तक का लेवल हम ग्वार गम में देख पाए, बट सस्टेनेबल नहीं रहेंगे। बेटर है लॉन्ग पोजिशन से थोड़ा कम या निकलना चाहिए। जनवरी 10-15 तारीख के बाद ही ग्वार कॉम्प्लेक्स में तेजी का रूप बनेगा जी। यहीं से जी बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन में हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से 6800 के लेवल्स टच करने के बाद एक बार फिर से ऊपरी तरफ से प्रॉफिट बुकिंग बनी है, मुनाफा वसूली बनती नजर आई है। आपको क्या लगता है, क्या सोयाबीन में अभी ये उठापटक का माहौल जारी रह सकता है या फिर सोयाबीन में आगे जाके कहीं सस्टेनेबिलिटी भी देखने को मिलेगी और कीमतें एक बार फिर से 6800-7000 के बीच ट्रेड करती नजर आएंगी? देखिए सोयाबीन के अंदर एक चीज आप समझिए कि अराइवल पीरियड में नवंबर दिसंबर सबसे अच्छा अराइवल पीरियड माना जाता है, जिसके बावजूद हमने प्राइसेस को 5100 से घूमते हुए देखा। हमारा धारणा जरूर ये था कि 6000 तक का ही लेवल जाएगा, बट बियॉन्ड दैट हमने प्राइसेस को जाते हुए देखा है। पॉलिट्री इंडस्ट्री की डिमांड कंटिन्यू मेंटेन रहेगी। बीच में हमने देखा कि इंपोर्ट्स को लेकर भी कुछ अनसर्टेनिटी बनी हुई थी बट वो रिजेक्शन हुआ, उसके बाद प्राइजेस में जंप आया। टाइमिंग मुझे लगता है कि प्राइजेस में 7000 का लेवल तो डेफिनेटली जनवरी मिड या जनवरी एंड तक दिखा देगा। हाँ, जब जब भाव में बड़ी तेजी आती है एक अराइवल प्रेशर आना चालू हो जाता है क्योंकि अभी भी फार्मर्स को उम्मीद है कि भाव में जबरदस्त तेजी रहेगी, इसलिए पूरा एक साथ अराइवल नहीं आ रहा मार्केट में, रुक रुक के आ रहा है। आज मुझे लगता है कि थोड़े से ऑयल कॉम्प्लेक्स में भी गिरावट है,
और सोया में भी अगर हम इंटरनेशनल में देखें तो 1280 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो टाइमिंग मुझे लगता है सोयाबीन में एक पुलबैक है जो 6000 तक का लेवल दिखा दे, 5900 से 6000 के पुलबैक पे हम सोयाबीन लेके चलेंगे। ओवरऑल हमें लगता है जनवरी एंड तक 7000 का लेवल हम क्रॉस कर सकते हैं। जी यही सर जी, बात करें अगर कॉटन की तो कॉटन में आपको क्या लगता है? इससे पहले आप मार्केट टाइम्स टीवी के माध्यम से पहले बता चुके हैं कि 2022 में कॉटन काफ़ी अच्छा रिटर्न देता नजर आ सकती है, लेकिन बात करें यहाँ से अगर अभी हाल फिलहाल की दिसंबर तक की, तो दिसंबर में कॉटन के क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं? देखिए कॉटन मुझे लगता है वाइट गोल्ड की कैटेगरी में आ गया, अच्छी खासी रैली हमने कॉटन के प्राइजेस में पिछले कुछ समय में आते हुए दिखा है। इनफैक्ट अगर हम कॉटन सीड ऑयल के दोनों की बात करें तो अच्छी खासी रैली थी। अगर परसेंटेज टर्म की अगर हम बात करते हैं तो कॉटन के अंदर जनवरी से लेकर अभी तक 53% की तेजी हमने बनते हुए देख चुके हैं एज ऑफ नाउ। दिसंबर मंथ में अराइवल प्रेशर है जिसकी वजह से बार बार में प्राइजेस के अंदर थोड़ा बहुत गिरावट आ रहा है, जो 30,000 का एक बेस बनाता हुआ दिख रहा है। जिस ढंग से जीएसटी की रेट्स में रिविजन बताया जा रहा है उसकी वजह से टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर भी डिमांड थोड़ा सा ड्रॉप हो सकता है, रिजल्टेंट हम 30,000 तक का लेवल एक बार देखते हैं। बट अभी भी अगर आप ग्लोबल मार्केट की बात करें तो एंड स्टॉक काफी कम है, डिमांड में इंप्रूवमेंट है, टेक्सटाइल डिमांड कंटिन्यू मेंटेन है, और जिस ढंग से अभी सदर्न पार्ट में हमने हैवी रेनफॉल देखा है जिसकी वजह से काफी डैमेजेस भी रिपोर्ट हुई है, तो आई थिंक ये सारे कॉम्बिनेशन है वो कॉटन को अगले 3 महीने के लिए अभी भी एक स्ट्रांग कैंडिडेट बनाता है अच्छे रिटर्न्स के लिए। दूसरा क्रूड की तेजी की वजह से जो मैन मेड फाइबर्स होते हैं, पॉलिस्टर या मैन मेड फाइबर होते हैं, वो कहीं ना कहीं कॉस्टली हो जाते हैं, तो कॉम्पिटिटिवनेस कॉटन में भी आई जाती है। तो आई थिंक प्राइजेस में एक दिसंबर मंथ मुझे लगता है थोड़ा साइडवे हो सकता है, 30,000 का बेस बनाता हुआ दिखाई दे, बट अगर कोई मार्च तक की व्यू लेकर चलते हैं तो आई थिंक वापस ये 34,000 का लेवल तोड़कर 38,500 तक का भी लेवल दिखाने की ताकत रखता है। तो मुझे बिल्कुल लगता है कि थोड़े पुलबैक के बाद कॉटन को लेके ही चलना चाहिए। जी तो यानी कि कॉटन अब धीरे धीरे इनफैक्ट अब शुरू ही हो चुकी है कि वाइट गोल्ड के कैटेगरी में आ जाए और आप बेहतरीन मुनाफा लेने के लिए तैयार भी रहे कॉटन में लॉन्ग टर्म के लिए। यहीं से जी बात करें अगर मेंथा की, तो मेंथा में हमने कुछ दिन से अब थोड़ी बहुत बढ़त बनते देखी है, आपको क्या लगता है मेंथा में आगे क्या लेवल्स रह सकते हैं? तो मैं परपेक्चुअली बायर ही रहता हूँ हमेशा, बट इस बार वीडियो में ये है कि बार बार में प्राइजेस 970-980 का लेवल दिखाती है पर उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही है। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि प्राइजेस के अंदर जब तक 985 का लेवल ब्रीच करके होल्ड नहीं करता है, प्राइजेस वापस 940 तक का लेवल दिखाई, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड कोई भी पिकअप नहीं कर पा रही है, और जब से वैट से जीएसटी के रिजिम में आया है तब से हमने देखा पार्टिसिपेशन भी काफी ज्यादा ड्रॉप हुआ है। तो अनलेस एंड अंटिल रेट में जीएसटी की रेट में कुछ कमी नहीं आती है या इंडस्ट्रियल डिमांड इंप्रूव नहीं होते, फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री से डिमांड थोड़ी बहुत चल रही है बट फिर भी अभी थोड़ा एक कैश कंशियस की वजह से डिमांड नहीं निकल पा रही है। रिसेंटली हमने एक इसमें हार्मोनिक पैटर्न भी बनते हुए देखा है, तो आई थिंक 970 पे बेचना चाहिए, 985 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, 940-945 तक का लेवल मेंथा में भी देखने मिल जाएगा। जी अजय जी आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे, आपकी तरफ से टॉपिक्स क्या रहेंगे जो 2021 में तो अच्छा रिटर्न देंगे ही देंगे एंड होने तक, और 2022 में भी अच्छे रिटर्न देते नजर आएंगे? देखिए मुझे लगता है कि 3 चीजों पे आपको सबसे अच्छा ध्यान देना चाहिए। कॉटन सीड ऑयल के अगर हम कॉटन सीड ऑयल के की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्राइजेस के अंदर एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई देगी जो एटलीस्ट 3600 से लेकर 3800 तक का लेवल दिखा सकती है। वहीं अगर हम दूसरी कमोडिटी की अगर बात करते हैं तो दूसरी कमोडिटी में मुझे मसाला अच्छा लगता है, मसाले के अंदर जीरा धनिया ये दोनों कमोडिटी में 2022 के अंदर अच्छा रिटर्न देखने मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि अजय जी ने बताया कि उनको मसालों में धनिया और जीरा काफ़ी अच्छी कमोडिटीज लग रहे हैं जो कि 2022 में आपको काफ़ी बेहतरीन रिटर्न देते हुए नज़र आ सकते हैं, तो उन दोनों को 2022 में भी कैरी ऑन करके चला जा सकता है। और दूसरा इन्होंने बिनौला खल बताया है, बिनौला खल में हम देख रहे हैं कि अभी अचानक से 2400 के बाद 2800 तक के तो लेवल्स देखने को मिले, लेकिन वहाँ पर थोड़ी सस्टेनेबिलिटी में थोड़ी कमी देखने को मिली है, वहाँ पर सस्टेन नहीं हो पाया। लेकिन अजय जी के मुताबिक साल 2022 के मार्च एंड तक बिनौला खल 3800 से 4000 तक के भी लेवल्स दिखाने की ताकत रखता है, तो बिनौला खल को भी मार्च 2022 तक लेके चला जा सकता है और अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है। तो फिलहाल बाजार की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।